वेरी वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर फ्रेंड्स। तो आज आप सबके जब मैं मैसेज पढ़ रहा था अपने टेलीग्राम चैनल पर या अपने व्हाट्सएप पर, मैं आप सबके चैटिंग देख रहा था। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे लिए पहले से वेल नोन हैं, तो उन्होंने जो संदेश भेजा, जो मेरा उत्साह वर्धन किया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि जैसे आपके संदेशों में ये बात जाहिर हो रही थी कि आप बहुत एक्साइटेड हैं जीएस की इस बैच को लेकर के, जीएस की इस क्लास को लेकर के, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी है। कहीं ना कहीं मुझे भी एक उत्साह है कि मैं अपने बच्चों से बहुत दिनों के बाद इंसेप्शन के अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जीएस में बच्चों से जुड़ रहा हूं। क्योंकि जो बच्चे मुखर्जी नगर में बहुत लंबे समय तक रहे, जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस की, वो जीएस में एक माना जाना नाम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। इंसेप्शन, इंसेप्शन की अपनी एक पहचान थी जीएस को लेकर, और वही पहचान आज आपको यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी दिखेगी। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो एक्साइटमेंट था कि सर कब 10 बजेंगे, मैं आपकी क्लास को लाइव देखना चाहता हूं, वही 10 बजने का इंतजार मुझे भी था। उसमें से बहुत सारे मित्रों का यह भी संदेश था कि सर क्लासेस का एक पैटर्न बता दीजिए, टाइम टेबल बता दीजिए क्या है। तो मैं आज इन सब विषयों से शुरुआत करूंगा, और उसके बाद जैसा आपसे कल की ही क्लास में मैंने एक वादा किया था कि जीएस का जो पूरा पाठ्यक्रम है उसे मैं सेगमेंट वाइज आपको पढ़ाऊंगा, यानी उसको अलग अलग खंडों में, अलग अलग पार्ट में मैंने बांट दिया है, और आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी की मैंने जिम्मेदारी ली है। तो इस क्रम में आज आपके जीएस के पाठ्यक्रम का पहला हिस्सा मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो एक तरीके से औपचारिक शुरुआत आज है, ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि आज हम जीएस पढ़ना शुरू करेंगे, श्री गणेश आज से ही हो रहा है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने क्लास आज ज्वाइन की है, जो मुझे अभी देख और सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप कल वाला वीडियो मिस मत करिए, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जीएस के पाठ्यक्रम पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई थी। पाठ्यक्रम जानना भी बहुत जरूरी होता है जिससे आपकी तैयारी की दिशा सही रहे, तो इसलिए आप शुरुआत वही मानिएगा। ये बात अलग है कि मैं पाठ्यक्रम के अनुरूप आज पहला पार्ट शुरू कर रहा हूं इतिहास से, जिसका पहला लेक्चर होगा, और इस पर हम लोग कुछ बातें विस्तार से करेंगे। लेकिन मैं आज पहले लेक्चर की शुरुआत करूं, इतिहास पढ़ाना आपको शुरू करूं, उससे पहले मैं आपकी क्लासेस का पैटर्न एक बार फिर से बता देता हूं। आपकी क्लासेस, मैंने कल ही ये बात दोहराई थी कि नियमित रूप से चलेंगी, और इसका जो टाइमिंग होगा, क्लास का टाइमिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं। कि आपको कभी इस बात को लेकर दुविधा ना रहे कि हम क्लासेस कब कर पाएंगे, आपको व्यक्तिगत मुझसे संपर्क करके इसके लिए पूछना ना पड़े, इसलिए आप यहां जान लीजिए कि टाइमिंग मैंने रखी है लेट नाइट, लगभग 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी। तो प्रतिदिन शार्प 10 PM पर मैं आपके सामने लाइव हो जाऊंगा, और आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकेंगे। और इसके साथ साथ यहां पर आपको यह भी बता दूं कि कितने डेज ये क्लासेस पूरे वीक में होंगी। पूरे वीक की मैं बात कर रहा हूं, पूरे सप्ताह की बात कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं 7 के 7 दिन आपकी क्लासेस होंगी। कैसे? तो इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। 3 डेज आपके लिए मैंने रखा है जीएस का एक हिस्सा, यानी पार्ट 1 में पढ़ाऊंगा आपको, और पार्ट 1 जैसा कि अभी आपने देखा क्या है, इतिहास, यानी इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अगले लगभग 2-2.5 महीने आप इसी पैटर्न पर ये क्लासेस करेंगे, और जब एक सेगमेंट आपका खत्म हो जाएगा तो दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था जब हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं हो सकता है इसकी जगह पर पॉलिटी स्टार्ट कर दूं। फिर इसके साथ साथ जो 3 दिन और हैं सप्ताह के, उसमें मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, यानी 2 विषयों को साथ लेकर चल रहा हूं। इसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, भूगोल। तो इतिहास और भूगोल दोनों विषयों की कक्षाएं, दोनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस साइमल्टेनियसली इस तरह से चलेंगी। बल्कि मैंने इसमें जो ड्यूरेशन फिक्स किया है डेज के हिसाब से, उसमें ये रखा है कि
सोमवार के दिन यानी मंडे, मंगलवार के दिन, ट्यूसडे और बुधवार के दिन। आपको इन तीन दिनों में इतिहास की कक्षाएं मिलेंगी, हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, और जो बाकी तीन दिन बचे यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन, उसमें आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी। अब बचा एक दिन रविवार का। तो चूंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्द आयोजित होगी, दिसंबर माह संभावित तिथि है, ये मानकर चला जा रहा है कि दिसंबर में आपकी परीक्षा आयोजित होगी, जो बच्चे सीजीएल में इस बार अपियर होने जा रहे हैं, तो हम एक दिन भी जाया नहीं होना चाहते हैं, जाया नहीं करना चाहते, और ये सोच रहे हैं कि रविवार के दिन भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे पढ़ने का तारतम्य या सिलसिला बना रहे। तो संडे को मैं कोई नया चैप्टर या टॉपिक ना पढ़ा करके जितना कुछ भी पढ़ाऊंगा उस पर एक आपका असेसमेंट रखूंगा यानी टेस्ट। तो आपका लाइव टेस्ट होगा जिसमें मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा टेस्ट में, और ये देखूंगा आप कितना स्कोर कर रहे हैं। हाँ, ये बात बता दूं, ये सेगमेंट टेस्ट होगा, मॉड्यूल टेस्ट होगा या यूनिट टेस्ट आप कह सकते हैं। पूरे सप्ताह में इतिहास भूगोल में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसी पर आधारित ये टेस्ट आपका कंडक्ट होगा। तो आप असेसमेंट कर सकेंगे और मैं भी आपको परख सकूंगा कि आप यहां पर जो कुछ पढ़ रहे हैं कितना तैयार कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। आपका डिसिप्लिन भी मुझे पता चलेगा, कितना अनुशासित ढंग से, कितना नियमित रूप से आप क्लासेस कर रहे हैं। तो बीइंग अ टीचर, अगर मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि आपको रेगुलर बेसिस पर मैं क्लासेस दूं, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी आज से शुरू होती है कि आप क्लासेस मिस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रति सप्ताह रविवार के दिन टेस्ट के लिए मैंने सुनिश्चित किया। इसका टाइमिंग कुछ और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 10 बजे ही टेस्ट हो, लेकिन ये मैं डिसाइड करके आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। लेकिन क्लासेस का टाइमिंग यही रहेगा कि प्रत्येक दिन आपकी कक्षाएं, आपकी क्लासेस 10 बजे चलेंगी, 10 PM याद रखिएगा। तो ये आपका टाइम टेबल रहेगा। अब रविवार के दिन टेस्ट का टाइम डिसाइड करते ही आप लोगों से थोड़ा सा मैं इस पर संवाद करूंगा, बात करूंगा, आपसे भी राय लूंगा कि क्या टाइमिंग सुटेबल रहेगा। आप मैसेज के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लूंगा कि बच्चों का संडे टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाए। लेकिन ये क्लियर कर दिया कि मॉड्यूल टेस्ट होगा, जितना पढ़ाया जाएगा उस पर आधारित आपको परखने की कोशिश होगी। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो आज मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है कि हम भाग एक से शुरुआत करने जा रहे हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री। तो जब भी किसी विषय को हम पढ़ना शुरू करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत वही तरीका है जैसा मैंने कल आपको GS पढ़ने का अप्रोच बताया था, कि आप पहले एक दायरा खींचिए, एक सीमा तय करिए कि हमें क्या पढ़ना, ये जाना जाए हमें क्या पढ़ना। तो आपको कल के ही लेक्चर में यह स्पष्ट किया था कि जो आपके GS का पाठ्यक्रम है उसका जो पहला हिस्सा है इतिहास, इसके पूरे पाठ्यक्रम को हम तीन खंडों में बांटकर पढ़ेंगे, यानी तीन सेक्शन में आपका ये सिलेबस डिवाइड किया है मैंने, जिससे अध्ययन में आपको बहुत सुविधा मिले, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़ें। और इस सिस्टमैटिक अप्रोच में पढ़ने का लाभ ये होगा कि आपको ये लगेगा हमें क्लास में ही काफी कुछ चीजें तैयार हो गई, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके Tier 1 परीक्षा के लिए बहुत गिने चुने दिन बचे हैं, तो आपको शायद रिवीजन का मौका भी बहुत अच्छे से ना मिल पाए। तो मेरी कोशिश है इस ढंग से आपको पढ़ाया जाए, इस तरीके से तैयारी कराई जाए कि क्लास करने के बाद आपको अगर मौका मिलता है रिवीजन का तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज टेस्ट के माध्यम से ही रिवीजन होता रहेगा और आप यहीं पे अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते जाएंगे। तो जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन में पढ़ा है वो मेरा तरीका भी जानते हैं कि क्लासेस का डिकोरम भी मैं कुछ ऐसा ही मेंटेन करने की कोशिश करता हूं कि बच्चे को कभी भी ये ना लगे कि बस पाठ्यक्रम पूरा करना ही एक ध्येय है। पाठ्यक्रम पूरा करना एक टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती, हम बहुत कंसाइज मैनर में होकर भी पूरे सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको दोनों के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है कि समय पर पाठ्यक्रम भी पूरा हो लेकिन उसकी क्वांटिटी भी मेंटेन की जाए और उसके साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन की जाए। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा अध्ययन करें। यानी अगर पूरे इतिहास में आपको मान लीजिए 30 अध्याय पढ़ने हैं, 50 अध्याय पढ़ने हैं, तो आप ऐसा ना हो 10 अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ कर गए बाकी छोड़कर,
लेकिन ऐसा भी ना हो कि 50 के 50 पढ़ लिए हमने, लेकिन उसके पढ़ने का तरीका ये रहा कि उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया, परीक्षा में उन्हीं अध्यायों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आए और हम उसे हल नहीं कर सके, तो कोई फायदा नहीं। आपको दोनों में संतुलन बनाना होगा और यही मेरी कोशिश होगी आपके इन क्लासेस में। तो यहां पर मैं सबसे पहले शुरुआत सेक्शन ए से करने जा रहा हूं, आज की क्लास उसी पर बेस्ड है, खंड आ भारतीय इतिहास हम पढ़ेंगे। और भारतीय इतिहास में आप सब जानते हैं कि हम 3 अलग अलग काल खंडों में इतिहास के पाठ्यक्रम को बांटते हैं, या इतिहास के विषय वस्तु को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। और ये वेल डिफाइंड है कि यहां पर भारत के इतिहास का एक कालखंड प्राचीन काल कहलाता है, और जब उस कालखंड के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में हम पास्ट इवेंट्स पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। तो संपूर्ण भारतीय इतिहास, एंटायर इंडियन हिस्ट्री को आप इन्हीं 3 कालखंडों में पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को जोड़ते चलिए आप सब, कि इतिहास में आपको 3 महत्वपूर्ण सेगमेंट मिलेंगे। भारत के इतिहास के साथ साथ समकालीन विश्व इतिहास भी तैयार करना होगा, भले ही संक्षिप्त तौर पर आप तैयार करें, लेकिन इस टॉपिक को भी आपको टच करना होगा। मैंने अभी कल की क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि क्या पता आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम विश्वयुद्ध में किन 3 राष्ट्रों का एक गुट बना था, तो ट्राई पार्टीज अलायंस जो बने थे उस तरह के कुछ प्रश्न आ जाए, या प्रथम विश्वयुद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, या द्वितीय विश्वयुद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, वर्साय की संधि कब हुई थी, जर्मनी में नाजीवाद का उदय कब हुआ था, फांसीवाद क्या है, इस तरह के कुछ बेसिक टॉपिक है जिसको आप यहां पर समकालीन विश्व इतिहास के मुद्दों में पढ़ते हैं। तो बहुत बेसिक चीजें इसमें आपको तैयार करनी होगी, और ये सारी जिम्मेदारी मैं लेकर चल रहा हूं कि आपको दिशा निर्देश समय समय पर करता रहूंगा, और जिसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी ढंग से होती रहे। फिर कला संस्कृत के पक्ष पर भी आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि अब आपका सिलेबस जिस तरह से अपडेट किया गया, आपके एग्जाम के पैटर्न को जिस तरह से मॉडिफाई किया गया, वो एक संकेत है कि आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच, जीएस पढ़ने का खासकर अप्रोच सुधारना होगा। जो बहुत फैक्ट बेस्ड स्टडी थी इतिहास को लेकर, बच्चों में एक परसेप्शन, एक धारणा कि इतिहास मतलब तथ्यों को रटना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको पढ़ने का अप्रोच यहां पर पता चलेगा तो आपको ये लगेगा कि इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, बहुत रुचिकर विषय है, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि इसमें फैक्ट नहीं है, तथ्यों का भरमार ये जरूर है, लेकिन जब आप कहानियों से उसको जोड़ते हैं तो उन तथ्यों को याद करना आपके लिए जटिल नहीं रह जाता। तो कई बार इतिहास के तथ्य जो हम रटने की कोशिश करते हैं वो इसलिए भूलते हैं कि उसके पीछे की कोई आधार या कोई कहानी नहीं पता होती, हम केवल इंडिपेंडेंटली उस फैक्ट को रटने की कोशिश करने लगते हैं। तो आपके पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, ये मैं दावा करता हूं। आप क्लासेस केवल नियमित रूप से करिए, और मैं बहुत बृहद स्तर पर एक योजना के साथ आपसे जुड़ा हूं, और अगर मैंने कहा कि ईश्वर की इच्छा रही तो मैं अपने इस मिशन में जरूर सफल होऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं बच्चों को परिणाम तक अगर मैं पहुंचा देता हूं तो मेरा मिशन सफल है। तो इस उद्देश्य से ही मैंने ये योजना बना करके कार्य शुरू किया, और जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इतिहास में 3 हिस्से तैयार करने, जिसमें पहला हिस्सा भारत का इतिहास होगा, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न और भी हो सकता है कि सर इसके लिए सोर्स क्या होगा, बेस्ट सोर्सेज क्या होंगे जिसको हम फॉलो करें, एंशियंट इंडिया के लिए, मेडिवल इंडिया के लिए और मॉडर्न इंडिया के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट करूं कि मैं ये नहीं चाहता कि सारा डोज आज ही आपको दे दिया जाए, सारी खुराक आज ही दे दी जाए। बहुत टुकड़े में काम करने से फायदा ये होगा कि आपको वो सरल और सहज लगेगा। तो आज मैं हिस्ट्री में केवल एंशियंट इंडिया पर बात करने जा रहा हूं, यानी अभी अगले कुछ दिनों तक अब आप केवल एक सेगमेंट हिस्ट्री का पढ़ेंगे, और हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आगे बढ़ेंगे, काल क्रम में ही, यानी प्राचीन भारत पढ़ने के बाद तब मध्यकालीन भारत पर बात करूंगा। आज पूरे भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम पर चर्चा नहीं करूंगा, केवल एक सेगमेंट जिसे मैं शुरू करने जा रहा हूं उस पर बात करूंगा, यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं।
शुरुआत हम इंडिपेंडेंटली कोई भी कर सकते थे। आप कह सकते हैं कि सर ये बड़ा बोरिंग टॉपिक लगता है, मॉडर्न से शुरू करते, ऐसा भी कुछ बच्चों का सोचना होता है। जबकि आप ये भ्रामक धारणा बना लेते हैं इतिहास का कोई भी कालखंड अपने आप में बोरिंग नहीं है, सब रुचिकर है, बस आपके पढ़ने का तरीका बदलने की जरूरत है। और प्रश्नों के लिहाज से सभी महत्वपूर्ण, आप ये दावा नहीं कर सकते कि सब मॉडर्न से प्रश्न ज्यादा आते, इसमें बहुत वेरिएशन रहता। इसलिए मैं एक हिदायत दूंगा कि आप सभी पर ध्यान दें, और खासकर मैंने पहले ही कहा था तैयारी के प्रारंभिक स्तर पर, जब हम अपनी प्रिपरेशन के बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर होते हैं तो बहुत सेलेक्टिव नहीं हुआ जाता, बहुत चयनात्मक नहीं होते। चयनात्मक तब होते हैं, सेलेक्टिव अप्रोच तब अडॉप्ट करते हैं जब एक बार पूरा पाठ्यक्रम हमने देख लिया हो, पढ़ लिया हो, समझ विकसित कर ली। तो प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया से मैं शुरुआत करूंगा, और इसके लिए अगर मैं रेफरेंस की बात करूंगा तो आपके सामने रेफरेंस भी रखा हुआ, यानी ये संदर्भ पुस्तकें हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों के कवर पेज लगे हुए हैं जिससे आप जान सके। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा रेफरेंस है, क्योंकि कल भी एक बात मैंने आपको बताई थी कि आपके लिए सबसे बेस्ट रेफरेंस है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का जो रिसेंट कैरिकुलम है, जो अभी वर्तमान में विद्यालय स्तर पर, स्कूल लेवल पर बच्चों को कक्षा 6 में, क्लास 6 में बुक पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी की, ये बेसिकली एंशिएंट इंडिया की बुक है। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। अब अगर आप इस पुस्तक का शीर्षक देखें तो आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, आपको दिखाई देगा यहां लिखा हमारे अतीत, और इसी के अगर ट्रांसलेटेड बुक आप लेते हैं, इंग्लिश वर्जन लेते हैं, देखिए मूलतः ये अंग्रेजी में ही लिखी जाती है। एनसीईआरटी की जितनी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो ओरिजिनल बुक होती है वो इंग्लिश में कंपाइल होती है और उसका ये अनुवाद किया जाता है, ये ट्रांसलेटेड वर्जन होता है। लेकिन इतना बेहतर अनुवाद है कि चाहे आप हिंदी में पढ़ें चाहे अंग्रेजी में, कोई फर्क नहीं आएगा। आप अपने माध्यम के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। और एक बात मैं ये भी स्पष्ट कर दूं आपको बच्चों, कि माध्यम को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी, मीडियम को लेकर नहीं, कि शुक्ला सर आप इंग्लिश में नोट्स देंगे या इंग्लिश में पढ़ाएंगे या हिंदी में करेंगे, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लास इंग्लिश में ना होगी ना हिंदी में, बल्कि हिंग्लिश कह लीजिए, एक नई भाषा आजकल लोकप्रिय हो रही है, हिंग्लिश, यानी हिंदी और अंग्रेजी का एक मिश्रण है, एक संकर प्रजाति विकसित हुई है जिसमें अंग्रेजी हिंदी मिक्स हो गई। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं तो आप हिंग्लिश का कई बार प्रयोग करते हैं, हम भी करते हैं। तो उसी हिंग्लिश मीडियम की क्लास होगी आपकी, यानी जहां पर टर्मिनोलॉजी की बात आएगी वहां मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। और बाकी आपको एक बात बता दूं कि जो मैं अपना नोट्स डेवलप कर रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स की, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया, कमिटमेंट एक दिन किया आपसे कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, वो बायलैंग्वल अलग अलग है, यानी इसका मतलब हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी। तो मीडियम को लेकर आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल श्योर रहिए कि आपको कभी भी माध्यम की वजह से पढ़ाई में दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर का आपका एग्जाम है, एमसीक्यू फॉर्म में आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको प्रश्नों को समझने की क्षमता विकसित करनी है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फैक्ट तैयार होने चाहिए, आपकी स्टडी किसी भी माध्यम में हुई हो आपको दोनों तरह के वहां प्रश्न दिखाई देंगे, हिंदी और अंग्रेजी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ना इस बात से। हाँ, अगर सब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम होता, जैसे यूपीएससी की मेंस की परीक्षा, लिखित परीक्षा होती, रिटेन एग्जाम होता, तो मैं जरूर कहता कि फिर हमें दोनों मीडियम अलग अलग करना होता, लेकिन यहां पर आप इंग्लिश में भी बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। चलिए देखते हैं, फिलहाल ये तो समय जवाब देगा। तो इतिहास के लिए कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है, आप उसके कवर पेज पर ही ये टाइटल देख सकते हैं, लिखा है कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत, इसका पहला खंड। दरअसल ये पहला खंड इसलिए क्योंकि हमारे अतीत नाम से, आवर पास्ट नाम से, क्लास 7th में भी बुक है और क्लास 8th में भी बुक है, लेकिन क्लास 7th में उसका दूसरा खंड है, क्लास 8th में इसका तीसरा पार्ट है। तो तीन पार्ट में बुक डिवाइडेड है, 6th, 7th और 8th लेवल पर बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है।
और ये मैं कह सकता हूं कि एंशियंट इंडिया पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेस्ट रेफरेंस। अगर आप शुरुआत करते हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो पहले आपको यही किताब पढ़नी चाहिए। तो इसलिए एक रेफरेंस के तौर पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और मैं फिर बता दूं कि आपको कोई बुक परचेज करने की यहां जरूरत नहीं है, पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी के लिए आप अपने पास रखें, अदरवाइज ये जिम्मेदारी मैंने ली। इसीलिए मैंने आपके सामने किताब ही रख दी कि मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो इन्हीं सब संदर्भों पर आधारित होगा। अब जब आप एनसीईआरटी की इस किताब के पेज पलटते हैं, कवर पेज आप जैसे ही हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले कंटेंट दिया गया है, यानी विषय वस्तु बताई गई है कि कौन कौन से अध्याय हैं और इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई। तो जैसे ही आप पहला अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें टाइटल मिलता है क्या, कब, कहां और कैसे। बिल्कुल इतिहास के इंट्रोडक्शन से ये शुरुआत है, यानी कि हिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक नॉलेज से इसकी शुरुआत। क्या, कब, कहां, कैसे, यही तो इतिहास की परिभाषा, यानी अतीत की बात। क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, यही तो इतिहास की विषय वस्तु है। तो यहां से ये पाठ्य पुस्तक शुरू होती है, लेकिन जैसे आप एनसीईआरटी के इस टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स पढ़ना शुरू करते हैं, आप उलझते चले जाते हैं कि सर ये चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहा। यहां आगे लिखा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ये कौन सा चैप्टर है। तो किताबों को पढ़ने का एक अप्रोच होता है, ये जो बुक लिखी गई है इसका जो कंटेंट तैयार किया गया है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। ये आपकी परीक्षा के तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक नहीं लिखी गई, ये पुस्तक लिखी गई, ये बुक तैयार की गई है स्कूल के बच्चों के लिए। तो स्वाभाविक है कि यहां पर जो पाठ्य पुस्तक तैयार करने वाली टीम रही होगी, जो संपादक मंडल रहा होगा, उसका जो यहां पर मेथड रहा होगा वो बच्चों के अनुकूल रहा होगा, यानी वो शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों पर आधारित होकर के, पेडागोजिकल इश्यू पर बेस्ड होकर के इस कंटेंट को तैयार कर रहे होंगे कि बच्चे को सभी चैप्टर्स बड़े रोचक लगे, उन्हें मनोरंजक लगे, जिससे वो इतिहास पढ़ने में बोरिंग फील ना करें और दूसरी बात उन्हें इतिहास के प्रति एक समझ मिले। इसलिए यहां जितने भी अध्याय हैं वो बहुत ही जनरल फॉर्म में आपको नॉलेज देते हैं, यानी ये नहीं कह सकते कि इससे बाहर नहीं आए, ये केवल बेसिक बुक है। तो इसके कुल मिलाकर के 11 अध्याय हैं, लेकिन इन 11 अध्यायों को तैयार कर लेने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दावा करें कि सर मैंने पूरी एंशिएंट तैयार कर ली, लेकिन ये पढ़ते हैं आप तो आपको बहुत इससे लाभ मिलने वाला। इसी को यहां पर मैंने कंटेंट को पूरा डिफाइन कर दिया इंग्लिश में भी, आपके इंग्लिश की बुक में आपको ये चैप्टर्स ऐसे इसी नाम से मिलेंगे, जिसमें आप देखें इंट्रोडक्टरी लेवल पर सबसे पहले शुरुआत करें क्यों पढ़े हम इतिहास, आखिर इतिहास हम क्यों पढ़े, वाई स्टडी हिस्ट्री, क्या जरूरत है इतिहास पढ़ने की। तो बच्चों को सबसे पहले विद्यालय स्तर पर, स्कूल लेवल पर, क्लास 6 में SST सब्जेक्ट में ये चीजें पढ़ाई जाती है, तो हम इसको अपना बेस बनाएंगे। लेकिन मैं ये कहूं कि केवल इसको पढ़कर काम चल जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इससे थोड़ा सा उन्नत स्तर पर जाएंगे, यानी एडवांस लेवल पर जाएंगे, और आपको यहां पर कुछ अन्य किताबें बता रहा हूं, जैसे प्राचीन भारत के लिए सबसे अच्छी बुक मैं मानता हूं, अगर हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है तो उस पर है पुरानी एनसीईआरटी जो क्लास 11th की बुक है, और इसके राइटर हैं राम शरण शर्मा। तो एंशियंट इंडिया पर ओल्ड एनसीईआरटी की एक बुक आती है जिसके राइटर हैं राम शरण शर्मा। मार्केट में शायद ये अभी भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, खासकर जो मुखर्जी नगर में तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं उनको तो बहुत आसानी से पाठ्य पुस्तकें मिल जाती।
तो अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्लास सिक्स की बुक जो मैंने अभी दिखाई हमारे अतीत उसका पहला खंड और जो क्लास इलेवेंथ में बच्चों को स्कूल लेवल पर आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाई जाती थी किताबें रामशरण शर्मा ने जिसे लिखा है पुरानी एनसीईआरटी वो और नई एनसीईआरटी जो आ गई है इनको भी मिलाकर मैं आपके लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूरा स्टडी मटेरियल भी बना रहा हूं और उसी को बेस बनाकर आपकी ये क्लासेस चलेंगी तो आपको कहीं भी ये चार रेफरेंस जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ क्लास के बेस पर जो चीजें बताई जा रही उसको शॉर्ट में नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा और जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा वो आपके लिए एनफ होगा। तो आप केवल दो काम ईमानदारी से कर ले, अगले चार पांच महीने जो भी आपको समय मिलते हैं आप मेरे साथ इतनी ही ईमानदारी दिखाएं कि जो क्लास में मैं आपको बताऊं उसकी शॉर्ट नोटिंग और उसके साथ साथ मैं कोई नोट्स आपको अगर भेजता हूं जैसे पहला चैप्टर जब मैं कंप्लीट करूंगा तो आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा एक नोट्स कि बच्चे उसको पढ़ सके। कुछ चीजें यहां पर भी मिलेंगी और आपको ये भी बता दूं कि इस बोर्ड पर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं सब कुछ आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पीडीएफ कन्वर्ट करके बुक की तरह आपके पास भेजा जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम पर ये सारी चीजें शेयर करूंगा, आपको मिलेगा, आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी, यहां के मैटर भी आपके पास होंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, ये मेरी रणनीति रहेगी बच्चों आपको पढ़ाने की और इसी के अनुरूप मैं पाठ्यक्रम की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम जो मैंने संशोधित तरीके से बनाया वो आपके सामने रखूंगा। तो एक बार अपने पाठ्यक्रम पर आप नजर डालें कि प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ेंगे। एंशियंट इंडिया, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अध्याय एक की अगर बात करें, शुरुआत की बात करें, तो इतिहास को जानने के साधन, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका जो पाठ्यक्रम शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है, इतिहास को जानने के साधन। और इससे अमूमन प्रश्न पूछे जाते, यानी चैप्टर वन सोर्सेज टू नो हिस्ट्री, यानी वो क्या सोर्सेज हैं जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जानते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहला अध्याय मैं यहीं शुरू करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा अध्याय, इसमें हम पढ़ेंगे भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां। यानी आपका चैप्टर टू होगा प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से एक एक अध्याय पर मूव करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां ये बहुत सेलेक्टिव मैनर में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय तो मैं नहीं कह सकता कि परीक्षा के लिए बहुत अहम है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं हिदायत दूंगा आपको कि आप इसे छोड़ दें। जरूर इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आप जाने, आपकी परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे गए और इन बातों को जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को बेस जरूर बनाइएगा। बच्चों आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने आप एक संशोधित पाठ्यक्रम मिलेगा। तो मैंने आपका जो पाठ्यक्रम अपने से डिजाइन किया कि इस सिक्वेंस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही एनालिसिस करने के बाद डिजाइन किया। ऐसा नहीं कि मैंने एनसीईआरटी की बुक में जो पाठ्यक्रम दिया है उसके अनुरूप यहां पर चैप्टर्स बना दिए, बल्कि जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी टेंडेंसी देखते हुए यहां पर मैंने कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स रखे हैं
जिनको हम लोग एक नजर देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते अध्याय तीन पर आते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, चैप्टर थ्री, हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर इसके बाद अध्याय चार, वैदिक संस्कृति, चैप्टर फोर, वैदिक कल्चर। देखिए इतिहास की अपनी एक क्रोनोलॉजी है, अपना एक कालक्रम है, और जब आप कालक्रम के अनुरूप आगे बढ़ते हैं तो चीजें इंटरलिंक होती जाती है, क्योंकि हर एक कालखंड अपने अगले आने वाले कालखंड से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, भले ही उसमें परिवर्तन आया हो। और इसी परिवर्तन के कारण तो हम एक नए अध्याय के रूप में इसे देखते हैं। जैसे यहीं पर आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखिए, इन दोनों में एक बहुत बड़ा चेंज। जैसे मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि आपको इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन में और वैदिक सिविलाइजेशन या कल्चर में सबसे मेजर डिफरेंस क्या लगता, तो जरा आपने मस्तिष्क पर, मांसपेशियों पर बल डालिए और बताइए कि यहां पर इसका उत्तर क्या हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मौलिक अंतर किस बात को लेकर था, क्यों इसे दो अलग अलग सभ्यताओं के रूप में हम देख रहे हैं, एक ही क्यों नहीं। तो सभ्यता अलग थी, इसका कहने का पर्याय नहीं कि यहां इंसान अलग थे यहां इंसान अलग थे, बल्कि इसका मूल जो चरित्र था वो बदल चुका था, मेन कैरेक्टर इसका बदल चुका था। जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम इन दोनों में करते हैं उसमें आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता ना होकर नगरीय सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन था, नगरीय जीवन था, ऐसा नहीं वहां गांव नहीं थे। जब हम ये कहते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी तो इसका मतलब कदाप ये मत समझिएगा, इसका सेंस ये मत विड्रॉ कर लीजिएगा कि यहां पर आप ड्रॉ आउट कर लें एक सेंस की इसका मतलब गांव थे ही नहीं। गांव भी थे और शहर भी, लेकिन जो उसकी विशिष्ट पहचान थी, जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी थी, वो थी बड़े बड़े नगरों का निर्माण, चाहे वो मोहनजोदाड़ो जैसे नगर हो, चाहे वो हड़प्पा जैसे नगर हो, या चाहे लोथल जैसे नगर हो, या कालीबंगा जैसे नगर हो। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण परिवेश की सभ्यता थी, ये रूरल सिविलाइजेशन थी, यानी इस सभ्यता के पतन के बाद जो नई सभ्यता अस्तित्व में आई वो मूल चरित्र से बदली हुई। ये कैसे हुआ इस पर बहुत सारी बातें आप इसके अंतर्गत पढ़ने वाले। तो जब बच्चों आप पाठ्यक्रम समझने लगते हैं, जब उसकी क्रोनोलॉजी समझने लगते हैं, तो इतिहास बहुत सरल विषय लगने लगता। तो यहां पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं आकर तथ्य रटाऊं, तथ्य तो आपको बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी गाइड्स हैं जिसमें लिखे हुए मिल जाए, उसमें मेरी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं। मैं इस इरादे से आपको जीएस पढ़ाने नहीं आया कि सारे तथ्य लिखवा दूं, तथ्य बता दूं और तथ्यों को रटा दूं। मैं चाहता हूं इतिहास आपको एक ऐसी समझ दे दे, आपको इतना सरल लगने लगे कि उन तथ्यों को भी याद करना आपको बहुत आसान लगे, कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप केवल कहानी के रूप में इसे पढ़ते जाएंगे, आप देखिएगा कि बहुत सारे तथ्य तो क्लास में ही डिस्कशन में याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अध्याय पांच पर आते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे यहां पर ईसा पूर्व छठी शताब्दी के भारत का इतिहास शुरू होता है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी का कालखंड। अब इस कालखंड में कई घटनाएं समानांतर रूप से घटित होती हैं, जैसे इसी के अंतर्गत आप देखेंगे महाजनपदों का उदय होता है। तो एक टॉपिक इसमें आप पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय, राइज ऑफ महाजनपदास। फिर इसी तरीके से
एक टॉपिक इसमें आप पढ़ने वाले हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी राइज ऑफ मगधन एम्पायर, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये घटनाएं लगभग समानांतर यानी एक समय की, एक दूसरे के कंटेम्परेरी। जिस समय गंगा घाटी में कई बड़े बड़े जनपद राज्यों का उदय हो रहा था, जनपद स्टेट्स बन रहे थे, स्टेट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसी समय उन 16 महाजनपदों में से एक एम्पायर भी बन रहा था, एक बहुत ताकतवर होता जा रहा था। तो यहां एम्पायर क्यों इसे कहा गया, साम्राज्य क्यों कहा गया, इन सब कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसी दौर में प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण भी होता है। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसी से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसमें आप देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन होता है। धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता, जिसमें बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय शामिल है। तो यहां पर ईसा पूर्व छठी शताब्दी का जो कालखंड है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह वो टाइम है जब भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसमें महाजनपदों का चाहे उदय रहा हो, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो, या फिर एंशियंट इंडिया पर फॉरेन इन्वेशंस की बात करें, या फिर हम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें, तो ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत अहम हो जाते हैं। तो चैप्टर 5 सिक्स्थ सेंचुरी बीसी, और इस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो कई, मैंने कहा, अहम घटनाएं घटी, जैसे राइज ऑफ महाजनपद स्टेट, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो राइज ऑफ मगधन एम्पायर, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेशंस, और इसी तरीके से मैंने कहा इसमें रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो अध्याय 5 के अंतर्गत हम लोग डील करने वाले हैं। खासकर फॉरेन इन्वेशंस की बात करूं तो वैसे सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ, ये भी परीक्षा का एक सामान्य सा प्रश्न हो सकता है। और अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी है, बेसिक चीजें पढ़ी, तो कम से कम इतना तो जानते ही होंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में दो आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और खासकर ईसा पूर्व छठी शताब्दी के कालक्रम में जब वहां से आगे बढ़ते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक। तो दो घटनाएं महत्वपूर्ण है, एक पारसियों का आक्रमण यानी पर्शियन अटैक, तो सबसे पहला अटैक पर्शियंस का माना जाता है, ईरान की तरफ से आक्रमण हुआ, डेरियस का अटैक जिसे भारतीय ग्रंथों में दारा के नाम से जाना गया, तो दारा प्रथम का आक्रमण, डेरियस का आक्रमण, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आगे चलकर फिर अलेक्जेंडर का इन्वेशन, जिसे भारतीय ग्रंथों में, इंडियन टेक्स्ट में सिकंदर कहा गया, तो सिकंदर महान जो पूरे दुनिया पर विजय करने निकला था, उसका भारत पर आक्रमण हुआ। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अब अध्याय 6 की तरफ। मौर्य साम्राज्य चैप्टर 6 मौर्यन एम्पायर।
फिर इसके बाद अध्याय सात, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल चैप्टर सेवन, पोस्ट मौर्य एज। दरअसल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, क्योंकि जो मौर्य वंश का सबसे महान राजा हुआ, सबसे महान सम्राट हुआ, सम्राट अशोक, एम्परर अशोका, अशोक की डेथ के बाद अगले 50 वर्षों में ही मौर्य साम्राज्य विखंडित होने लगा। मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसका डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद भारत के इतिहास में आप देखेंगे दो अलग अलग तरह के राजवंशों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना राज्य कायम किया, जिसमें से एक ऐसा राजवंश रहा जिनका मूल देश से ही जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसको भारतीय राजवंश या देसी राजवंश कहते हैं, जिसमें आप शुंग, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ऐसे वंशों का इतिहास पढ़ते हैं। और इसी दौर में भारत में कुछ विदेशी राजवंशों की सत्ता स्थापित होती, कुछ फॉरेन डायनेस्टीज भी इंडिया में रूल एस्टैब्लिश करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों से हिंद यौनों ने शुरुआत की, इंडो ग्रीक्स, और उसके बाद आप देखेंगे शक, कुषाण, पार्थियंस, इस तरह के वंशों का इतिहास आता। तो इसमें दो तरह की डायनेस्टीज के बारे में आप पढ़ने वाले, क्योंकि कोई एक डायनेस्टीज इसमें बहुत प्रोमिनेंट नहीं हुई। हाँ, ये बात अलग है कि नॉर्दर्न इंडिया में कुषाणों ने एक विशाल साम्राज्य कायम किया, और सदर्न इंडिया में पेनिनसुलर रीजन में अगर आप देखें तो सातवाहनों ने अपना प्रभाव जमाया। तो सातवाहन और कुषाण ये दो बहुत प्रमुख हुए, लेकिन चूंकि इसमें कई अलग अलग राजवंशों ने अपना राज्य कायम किया, इसीलिए इसी किसी वंश से ना जोड़कर मौर्यों के बाद का काल कहा जाता है। तो ये मौर्योत्तर कालीन घटना मानी जाती है। मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्यों के उत्तर, यानी उसके बाद की अवस्था। तो इसे पोस्ट मॉडर्न एज के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अध्याय आठ, दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास यानी साउथ इंडियन हिस्ट्री, तो जब हम प्री हिस्टोरिक कल्चर से शुरुआत करते हैं, भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, तो एक बार जिक्र इसमें होता है दक्षिण भारत का, क्योंकि बहुत सारे प्राग ऐतिहासिक पुरास्थल जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, चाहे वो नियोलिथिक एज की हो, नवपाषाण काल की हो, वो दक्षिण भारत से मिली, साउथ इंडिया से मिली। और इसी के बाद दक्षिण भारत का इतिहास हम देखते हैं एक नई संस्कृत के साथ सामने आता है, जिसे महापाषाणिक संस्कृत कहा गया, मेगालिथिक कल्चर, क्योंकि उस समय का जो इतिहास है वो हमें वहां के लोगों के उन कब्रों से पता चलता है जिसे महापाषाण की संज्ञा दी गई, यानी उस समय का इतिहास उनके बरियल सिस्टम से पता चलता, उनकी सिमेट्रीज से पता चलता। तो जो उनके ग्रेवयार्ड थे उससे हमने उनका इतिहास जाना, इसीलिए इसे यहां पर महापाषाणिक संस्कृत कहते हैं। तो महापाषाण काल से लेकर संगम काल तक का इतिहास इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अध्याय नौ की तरफ, यानी चैप्टर एट हो गया। अब आते हैं अध्याय नौ पर, गुप्त काल। चैप्टर नाइन, गुप्ता एज। तो गुप्त काल, श्री गुप्त से लेकर के और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त तक का इतिहास, क्योंकि स्कंद गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया तेज हो जाती, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, रैपिड प्रोसेस शुरू हो जाता है उसका। तो इस कारण से हम स्कंद गुप्त तक के इतिहास को इसमें शामिल करते हैं। तो गुप्त कालीन भारत में हम चाहे राजनैतिक इतिहास पढ़े, चाहे सांस्कृतिक इतिहास पढ़े, आर्थिक इतिहास पढ़े, हम ये पाते हैं कि इसमें एक पक्ष को छोड़कर बाकी ये अपने आप में बहुत बेहतर युग रहा है।
एक पक्ष मैंने इसलिए कहा क्योंकि सामाजिक स्तर पर, सोशल लेवल पर आप देखेंगे कि इसी समय भारत में कई तरह की समस्याएं भी पैदा होती, चाहे वो अछूत जातियों का उदय हो, बहुत बड़ी संख्या में अछूत जातियां पैदा होती है समाज में, अनटचेबिलिटी की प्रथा बहुत हावी हो जाती है, या फिर चाहे सती जैसे कस्टम की बात हो, सती जैसी प्रथा का उदय हो, ये गुप्त काल की ही देन मानी जाती है। गुप्त काल में ही ये सामाजिक अभिशाप, ये सोशल इविल सामने आते हैं। इसीलिए मैंने कहा सामाजिक पक्ष से गुप्त काल बहुत बेहतर युग नहीं रहा, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर यानी इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल लेवल पर और कल्चरल फील्ड में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एंशिएंट इंडिया में इसी पीरियड में हुआ, इसीलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया, यानी क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, या इसे गोल्डन पीरियड के रूप में कंसीडर किया गया। तो इसमें हम लोग ज्यादातर सांस्कृतिक पक्षों पर देखेंगे क्या डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भारत में गणित विज्ञान के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि आई। आज भी दिल्ली में मेहरौली में जो लौह स्तंभ आप देखते हैं वो जंग रहित है, तो क्या तकनीक थी जिससे इन्होंने जंग बिना एक ऐसा लोहा बना दिया, एक स्तंभ बना दिया जो आज भी सुरक्षित दिखाई देता है कुतुब मीनार परिसर में लगा हुआ। या फिर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ हुए, इसी समय के हैं। वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री हुए, धन्वंतरि जैसे आयुर्वेदाचार्य हुए। तो बहुत बेसिक चीजें बच्चों आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इतिहास हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं उसमें ये बेसिक बातें भी हमारी तैयार नहीं हो पाती। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इतिहास आपके लिए इतना रुचिकर विषय बन जाए और सारे तथ्य और सारी संकल्पनाएं भी स्पष्ट हो जाएं। इसलिए सबसे पहले आज मैं परिचर्चा कर रहा हूं पाठ्यक्रम पर, यानी पहले सिलेबस आपके सामने रख रहा हूं कि हम लोग इस पर क्या पढ़ने वाले। फिर आगे बढ़ते हैं अध्याय 10, चैप्टर 10, गुप्तोत्तर काल। पोस्ट गुप्ता एज, तो पोस्ट गुप्ता एज आप स्वाभाविक है कि नाम से ही समझ गए होंगे, जैसे मैंने मौर्योत्तर काल कहा यानी गुप्तों के बाद का काल, और ये वो समय है जब उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बदलता, यानी मौर्यों से लेकर बल्कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से लेकर और गुप्त काल तक आप देखेंगे उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र था, नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिक्स का सेंटर था पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्रा के बुरे दिन आ चुके थे और यहां पर उत्तर भारत में एक नया केंद्र उभरता है, एक नया पॉलिटिकल सेंटर बनता है कन्नौज, और उस कन्नौज में हर्षवर्धन नाम के व्यक्ति की सत्ता स्थापित होती है, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक, थानेश्वर के पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर हर्षवर्धन यहाँ कन्नौज पर शासन स्थापित करता है। यहीं से इतिहास का एक नया दौर शुरू होता है जिसे हम गुप्तोत्तर काल कहते हैं। लेकिन हर्षवर्धन के समय ही एक ऐसी व्यवस्था का जन्म होता है जिससे अब आप देखेंगे राजनीति में, समाज में हर जगह पर परिवर्तन हावी होने लगता, और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे जो प्राचीन भारत का अंतिम अध्याय होगा, यानी कुल 11 अध्याय आप पढ़ने वाले हैं, और ये होगा आपका प्राचीन से मध्यकाल, प्राचीन से मध्यकाल। एंशियंट टू मेडिवल, यानी इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत का इतिहास मध्यकाल में रूपांतरित हुआ, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई मेडिवल में, और फिर आगे हम लोग जब यहां पहुंचेंगे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास पर ऐसे ही पाठ्यक्रम की चर्चा करें। तो मुझे उचित ये लगा कि मैं आज पूरे भारतीय इतिहास के सभी कालखंडों का सिलेबस बताऊं, ये बच्चों के लिए बहुत बोझिल हो जाएगा। आप कहेंगे सर ने पहले दिन ही डोज इतना ज्यादा दे दिया है कि ये तो बहुत भारी भरकम विषय लगने लगा। तो मेरा उद्देश्य आपको सरल और सहज तरीके से तैयारी की तरफ ले जाना है, डराना नहीं कि आप महसूस करने लगे से इतिहास तो बहुत ज्यादा है।
रुचिकर बने आपके लिए विषय, और जो काम की चीजें हैं वो आपको तथ्य के रूप में यहां पर याद भी हो जाए। तो जितने भी अध्याय हैं उससे कुछ बेसिक चीजें पहले मैं चाहूंगा बिल्कुल तैयार हो जाए। मेरी कोशिश है क्लास में सारी चीजों का बेसिक मैं तैयार करा दूं, और एडवांस के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और नोट्स दूंगा जिसे आप फॉलो करें। यही रणनीति रहेगी हमारे अध्ययन की। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, या सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कितने अध्याय हैं, और इसी के अनुरूप हम लोग यहां पर अपने लेक्चर को डिजाइन करके आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले अगर कहूं कि पहला अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, तो जो पहला अध्याय आपके सामने होगा इसका हमारा अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, इसको पढ़कर हम क्या सीखने वाले, क्या जानने वाले। तो इसके अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि इतिहास क्या है, यानी इतिहास की एक बेसिक समझ देने की कोशिश करूंगा आपको कि हम क्यों इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास पढ़ने का क्या महत्व है, इतिहास की क्या परिभाषा। हालांकि ये बात भी सही है कि ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे कोई तथ्यात्मक प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आने, लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ाते समय भी आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूं जो परीक्षा में आ सकता। तो जब भी किसी टॉपिक पर चर्चा होगी तो मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि वहां से किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते। तो आज हम लोग यहां पर इस अध्याय के अंतर्गत इन बातों पर चर्चा करते, लेकिन पहले हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा की है, तो हो सकता है कि आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए, अगली क्लास में इसी डायरेक्शन में हमारी क्लास बढ़ेगी। क्योंकि मैं एक बार यह भी देखना चाहूंगा कि समय कितना हो चुका है। जी बच्चों से, क्योंकि एक कमिटमेंट है मेरा यहां पर कि मैं आपको लगभग सवा घंटे का एक सेशन दूंगा, एक लेक्चर आपका लगभग सवा घंटे का होगा, तो मोर देन 50 मिनट्स हो भी चुके हैं। तो अब शुरुआत की जाए तो हम ये समझेंगे कि हिस्ट्री पढ़ने का महत्व क्या है, हिस्ट्री में जो डेटिंग सिस्टम है, तिथियों का प्रकरण है, वो कैसे हम समझे, और फिर इसके बाद इतिहास को जानने के स्रोत क्या, यानी यही आपका पहला अध्याय है, इतिहास को जानने के साधन। इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत, विभिन्न स्रोत, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। तो वेरियस काइंड्स ऑफ सोर्सेज टू नो हिस्ट्री, यही हमारा पहला अध्याय है। तो चलिए सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतिहास क्या है। यानी हम अगर हिस्ट्री को डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते, तो बहुत बेसिक सी बात है, बोलचाल की भाषा में भी कई बार आप बोल जाते हैं अपने मित्र के लिए, अपने किसी शत्रु के लिए कि बहुत कहानी मत बताओ, मुझे तुम्हारा इतिहास पता है। कभी किसी मित्र को बोला है, या कभी शत्रु को हो सकता है बोला हो कि भाई आप जिससे नाखुश हो वो सामने पड़ जाए, कोई बात कह रहा हो तो कह रहे हो बहुत कहानी मत बताओ, तुम्हारा इतिहास मुझे पता है। तो तुम्हारा इतिहास कहने का है पर्याय क्या होता है, मीनिंग क्या होती, यही तो इतिहास की डेफिनेशन, यही तो इतिहास की परिभाषा। एक लेमैन की तरह देखा जाए तो आप कह सकते हैं पास्ट यानी अतीत। तो इतिहास को बहुत सामान्य तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी अतीत में जो घटनाएं घट गई, जो हुआ उस पर जब आप बात करते हैं तो उसे कहते हैं इतिहास। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इतिहास के लिए जो अंग्रेजी में हमने शब्द लिखा, जो वर्ड लिखा, वो है हिस्ट्री। और ये जिस रूट वर्ड से बना, रूट वर्ड का मतलब होता है मूल शब्द, जिससे कोई वर्ड नया डिराइव हो तो उसे कहते हैं मूल शब्द, या धातु कहा जाता है संस्कृत की भाषा में। संस्कृत व्याकरण में धातु शब्द का प्रयोग
रूट वर्ड के लिए होता है, यानी जिससे कोई शब्द सृजित हो, कोई भी वर्ड बने। तो हिस्ट्री यहां पर बेसिकली अगर देखा जाए तो जिस टर्म से बना है वो है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से बना है हिस्ट्री। और हिस्टोरिया का जो मीनिंग होता है, इसकी लिटरल मीनिंग होती है, वो है रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी। तो जब हम पास्ट के बारे में किसी भी इवेंट्स पर कोई रिसर्च करते हैं, अभी आपने पहला अध्याय क्लास सिक्स की एनसीईआरटी की बुक में क्या देखा, कहां, कब, कैसे। तो जैसे ही कोई घटना, कोई भी दृष्टांत आपके सामने रखा जाता है, कोई भी घटना आपके सामने बताई जाती है, तो आप कहते हैं कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो वही चीज है कि जब हम पास्ट के किसी भी इवेंट्स पर कोई रिसर्च करें, अनुसंधान करें, कोई इंक्वायरी करें, यानी कोई जांच पड़ताल करें, कोई इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण करें, तो उसी को यहां पर कहा जाता है हिस्टोरिया। दरअसल हिस्टोरिया एक लैटिन वर्ड है, क्योंकि इंग्लिश आप जानते ही हैं, वो लैटिन से भी बहुत सारे वर्ड वहां डिराइव हुए, तो लैटिन वर्ड है हिस्टोरिया, और इसकी मीनिंग होती रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, यानी अनुसंधान करना या अन्वेषण करना। और इसी से इतिहास की एक समझ विकसित होती, इतिहास की एक परिभाषा बनती है कि अतीत के घटनाओं का अध्ययन करना या उसका अनुसंधान करना, उसके बारे में पता लगाना कि ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ, यही इतिहास। ये स्पष्ट हुआ। अब यहां पर इसी से मिलता जुलता एक टर्म आप देखिए, वो है हिस्टोरिका। अब यहां पर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ रहा है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क दे दिया बच्चों, हिस्टोरिका। ये हिस्टोरिका क्या है? तो इसे फर्स्ट क्रिएशन ऑफ हिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। हिस्टोरिका इसे इतिहास की प्रथम कृति माना जाता, इतिहास की प्रथम कृति या रचना। बहुत सिंपल सा प्रश्न आ सकता है कि इतिहास की प्रथम रचना किसे मानते, हिस्टोरिका, यानी एक बुक है ये, और इसे जिस व्यक्ति ने लिखा, जो इसके ऑथर थे, यानी लेखक थे इसके, उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोट्स। अब हेरोडोट्स के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग जान लीजिए कि ये 5th century BC के इतिहासकार थे, यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व कह सकते हैं। तो ईसा पूर्व 5वीं सदी या 5th century BC के ये इतिहासकार थे हेरोडोट्स। ये एक इतिहासकार है, एक हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन, और ये जिस देश से संबंध रखते हैं इसी कारण से इन्हें कहेंगे यूनानी इतिहासकार, यानी ग्रीक हिस्टोरियन। ये ग्रीक हिस्टोरियन है। इन्होंने हिस्टोरिका नाम की बुक लिखी, जिसमें पहली बार हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट दिखाई देता है, इतिहास की एक समझ दिखाई देती। तो इनका नाम आप सब पहले भी जानते थे, इनके इस बुक का नाम भी शायद आप सब पहले जानते थे, लेकिन इनके समय के बारे में शायद आपको ना मालूम हो। तो 5th century BC याद रखिएगा, और इसके साथ साथ मैं टाइम भी लिख दे रहा हूं, इनका समय था लगभग 484 बीसी से, संभवतः शायद 424 बीसी तक इनका समय रहा, इसी के आसपास लगभग इनका टाइम। एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे याद ही है, लेकिन हां इतना जरूर स्पष्ट याद रखिएगा कि 5th century BC इनका टाइम था, और 484 बीसी इनका जन्म का समय माना जाता है। और जो इन्होंने बुक लिखी थी, बेसिकली
ये बुक इन्होंने 430 बीसी के आसपास रची थी हिस्टोरिकल। तो ये सारे तथ्य बहुत अहम नहीं है कि आप इसको याद करने लगे, लेकिन हाँ यहां तथ्य कौन सा अहम है, हिस्टोरिका और इसके राइटर हेरोडोटस, ये दो पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो याद रखिए 5th century BC इनका टाइम पीरियड था, ये एक यूनानी इतिहासकार थे। अब इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्हीं को कहा गया इतिहास का पिता या इतिहास का जनक, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। किसकी बात हो रही है, हेरोडोट्स की। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म यूज किया गया कि इन्हें इतिहास का पिता कहा गया, जनक कहा गया, किसने कहा, तो जिस व्यक्ति ने इन्हें यह संज्ञा दी है उसका नाम था सिसरो। अब ये सिसरो महोदय कौन है, तो ये एक रोमन फिलोसफर थे, एंशियंट रोमन फिलोसफर, प्राचीन रोमन दार्शनिक, रोमन दार्शनिक। इनका समय हेरोडोट से बहुत बाद का है, ये लगभग 1st century BC के हुए, 1st century BC इनका समय है, यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के ये थे लगभग, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास के ये माने जाते हैं सिसरो, जो प्राचीन रोम के एक महान दार्शनिक हुए। इन्होंने संज्ञा दी थी हेरोडोट्स को इतिहास के जनक के तौर पर, या इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री का। तो एक प्रश्न तो बच्चों यहां पर परीक्षा के लिए ये अहम हो गया कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आप जवाब दे सकेंगे। एक प्रश्न यह भी हो गया कि हेरोडोट्स को इतिहास का जनक किसने कहा था, तो भी आप जवाब दे सकेंगे। और फिर थोड़ा सा परिचय सिसरो और हेरोडोटस का कि ये कौन थे, तो आप कम से कम ये बता सकेंगे कि प्राचीन यूनान के विद्वान थे हेरोडोट्स, और ऐसे ही प्राचीन रोम के एक महान विद्वान थे सिसरो। इसी में एक तीसरे इतिहासकार का भी नाम मैं जोड़ूंगा। यहां जो बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूं इतिहासकार, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अतीत की घटनाओं पर अनुसंधान करे, जो पास्ट इवेंट्स के बारे में रिसर्च करे, वही है हिस्टोरियन। यानी हिस्ट्री है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, और जो यहां पास्ट इवेंट्स पर रिसर्च करे वो हिस्टोरियन। तो ऐसे ही मैं एक और यहां पर इतिहासकार का नाम लिखूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और उनका नाम है हीगल। हीगल ये भी एक महान दार्शनिक हुए, ये एक जर्मन फिलोसफर माने जाते हैं, जर्मन फिलोसफर, जर्मन दार्शनिक। इनका नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि इनका एक बहुत फेमस कोटेशन है जो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक फ्रेज है, क्योंकि इन्होंने एक फ्रेज यूज किया है, हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, अपने आप को दोहराता है। यानी कई बार आप इस तरह के फ्रेज देखते हैं कि इतिहास दोहराया गया, जब कोई घटना हूबहू फिर से घटित होती है, यानी एक घटना अतीत में हुई और फिर वही घटना दोबारा घटित हुई, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो एक बार दोबारा दुनिया को दूसरा विश्व युद्ध देखना पड़ा, तो हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ। इसी पर एक और अच्छा कमेंट किया था, जर्मन फिलोसफर ही थे, जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल स्टेट्समैन थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसी में एक लाइन जोड़ दी थी,
लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप इतना विस्तार में जाने, लेकिन ये कम से कम आप फ्रेज जरूर जानिएगा, हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये टर्मोलॉजी, ये फ्रेज किसने बनाया था, तो हीगल ने। हाँ, अब एक अंतिम नाम मैं इस चर्चा में और चाहूंगा आप जोड़े, उनका नाम है E.H. कार। E.H. कार क्यों इनका नाम महत्वपूर्ण है? ये भी एक ब्रिटिश इतिहासकार है, ब्रिटिश हिस्टोरियन, और इसलिए मैंने इनका नाम लिया, कि जब आप पुराने इतिहासकारों का जिक्र कर रहे हैं तो एक जरा मॉडर्न एरा के इतिहासकार का भी नाम जान लिया जाए। यानी इनका समय अगर देखा जाए तो वो समय था लगभग 19th century AD के, ये है 19th century AD यानी 19वीं शताब्दी के इतिहासकार, 19वीं शताब्दी ईस्वी के ये इतिहासकार हैं जिनका नाम है E.H. कार। और इनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज किया है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, निरंतर चलने वाला संवाद है, तो ये फ्रेज किसने बनाया? E.H. कार ने। हिस्ट्री इज एन एंडलेस या अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। तो ये फेमस कोटेशन किसने यूज किया? E.H. कार ने। और E.H. कार है कौन? तो मैंने कहा ब्रिटिश हिस्टोरियन है, एक अंग्रेज इतिहासकार है, और वो भी मॉडर्न एरा के हैं, 19th century AD के। तो ये कहते हैं कि इतिहास वर्तमान और अतीत का एक संवाद है, डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। यहीं से रूपरेखा तैयार हो जाती है कि इतिहास का क्या महत्व है, हम इतिहास क्यों पढ़े। तो हिस्ट्री की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इतिहास की अपनी एक महती भूमिका है कि हम वर्तमान में बहुत सारी समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं, वर्तमान की जो बहुत सारी चुनौतियां हैं, जो प्रेजेंट टाइम की बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन सब का समाधान अगर हम चाहते हैं, सही तरीके से समाधान चाहते हैं, तो हमें अपना इतिहास जानना होगा। इतिहास हमें सबक देता है, इतिहास हमें भविष्य के लिए तैयारी देता है, और इतिहास हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी धरोहर को संरक्षित करने की कला भी सिखाता, उसका महत्व बताता। यानी इतिहास से हमें गर्व की अनुभूति भी होती है, गौरवशाली पल भी होते हैं, प्राइड फीलिंग भी आती है, और इतिहास में कोई ऐसा दौर भी होता है जिसे हम दोहराना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए जब आप गुप्तकालीन इतिहास को देखते हैं कि भारत एक समय ज्ञान विज्ञान की दुनिया में कहां था, भारत शिक्षा के क्षेत्र में कहां था, हम विश्वगुरु थे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के तौर पर याद किया जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया से हजारों विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने आते थे, एक दौर भारत का ऐसा भी था, तो हमें गर्वानुभूति होती है, हमें प्राइड फीलिंग आती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब भारत ने अंग्रेजी दासता की बेड़ियां झेली और 200 साल तक हम बेड़ियों में जकड़े रहे, 200 साल गुलामी झेली। तो हम चाहेंगे कि नालंदा का इतिहास दोहराया जाए, भारत में फिर से नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हो, हम विश्वगुरु कहलाएं, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमें गुलामी या दास्ता फिर से झेलनी पड़े। तो इस तरीके से
इतिहास का अपना एक महत्व है, वर्तमान में भी इतिहास की अपनी प्रासंगिकता। तो आज के सेशन को बच्चों एक इंट्रोडक्टरी क्लास समझिएगा आप। हालांकि मैं अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर चुका हूं, आपका सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूं और इसी क्रम में आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि आप चीजों को कहानी के तौर पर इसलिए भी पढ़िए, केवल तथ्यों को रटने के लिए क्लास मत करिए, तथ्य तो किताबों में भरे पड़े। मैं आपको कई ऐसी गाइड बता दूंगा जिसमें फैक्ट ही फैक्ट लिखे हैं, तथ्य रट करके कभी इतिहास तैयार नहीं हो सकता। जब आपकी रुचि इस विषय में पैदा हो जाएगी, जब समझ विकसित हो जाएगी, इतिहास आपको सबसे आसान विषय लगे। कम से कम बेसिक्स आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ये दावा। आपको नोट्स केवल अलग से पढ़कर काम करना होगा, बाकी आप क्लास केवल रेगुलर कर लेंगे, सारे फैक्ट ना क्लियर हो जाए तो आप कहिए। तो आज की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी कह सकता हूं कि आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से 4-5 अहम तथ्य भी मिले। ये सारे फैक्ट आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन तथ्यों पर भी आप गौर करेंगे, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करूंगा और बाकी हम लोग फिर अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसी क्रम में यहां पर क्लास आपकी आगे बढ़ती रहेगी। फिर एक बार स्पष्ट कर दूं कि जब मैं पहला अध्याय पढ़ाकर समाप्त करूंगा, आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके पास नोट्स आता जाएगा। ये जो आपको मैंने पढ़ाया, जो इस पर लिखा हुआ, ये तो आपको पीडीएफ के रूप में एनोटेशन के साथ पूरा मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो यहां पर कंटेंट डेवलप करेंगे वो चैप्टर कंप्लीशन पर आपको भेजा जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा बच्चों आप सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में लास्ट में आपको एक बार दिखा भी देता हूं, बहुत सारी चीजें हम लोग अभी इसमें आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि नियमित रूप से आपको क्लासेस मिले। तो सेशन अगर आपको पसंद आए, मुझे अप्रिशिएट भी करिए भाई, क्योंकि यही मेरे लिए पुरस्कार होगा। यानी सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रेगुलर क्लासेस मिल सके। और इसके साथ साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, जिससे मैं नोट्स आपको शेयर करूं तो वो मिल सके। और बाकी अगर कोई क्वेरीज है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जुड़कर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। अब हमारी आपकी मुलाकात कल फिर रात में 10 बजे होगी, तब तक लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ऐसे नियमित पढ़ते लिखते रहे और सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना। धन्यवाद, गुड नाइट।